दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खूबसूरत और ताकतवर देश तुर्की के बारे में। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों पर स्थित है, जहां सुबह का नाश्ता आप एशिया में करें और दोपहर का भोजन यूरोप में। दरअसल तुर्की का कुछ भाग यूरोप में पड़ता है और अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। मतलब यह दो महाद्वीपों से मिलकर बना एक देश है, जिस कारण इसे यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इस देश को यूरोप और एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। दोस्तों जैसे भारत में हिंदू बहुमत है, ठीक उसी तरह तुर्की दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है, जो कि भारत के ही तरह धर्मनिरपेक्ष है। आपने सुना होगा तुर्की को रिपब्लिक ऑफ तुर्की भी कहा जाता है, लेकिन इसका यह नाम 1923 ईस्वी के बाद से रखा गया था। यहाँ के लोग अपने देश के प्रति बहुत वफादार और ईमानदार होते हैं। धर्म की बात की जाए तो तुर्की में 98% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जो कि ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और इसकी कुल संख्या तकरीबन 1.6 अरब है। यानी तुर्की में 98% मुसलमानों की आबादी है और यह देश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। तुर्की की कुल जनसंख्या 8,02,00,000 से ज्यादा है, जो पूरी दुनिया की मुस्लिम आबादी का 4.5% है। और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक इस्लाम दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म होगा। दोस्तों आपने किताबों में पढ़ा होगा तुर्की को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक रोचक बात है। दरअसल 18वीं शताब्दी तक तुर्की का साम्राज्य बहुत विशाल और शक्तिशाली बना रहा, किंतु तुर्की सुल्तानों के विलासी प्रवृत्ति और अत्याचार के कारण यह विशाल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो चला था और धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। दोस्तों इस देश की खूबसूरती भी कुछ कम नहीं है। तुर्की दुनिया के कई खूबसूरत शहरों में से एक माना जाता है, जो अपने मनोरम दृश्य, ऐतिहासिक स्थलों और उपजाऊ घाटियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। तुर्की का कुल क्षेत्रफल 7,83,562 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 37वां सबसे बड़ा देश है। तुर्की की राजधानी अंकारा है, लेकिन क्या आप जानते हैं 28 मार्च 1930 ईस्वी को तुर्की के कई शहरों का नाम बदला गया था। यानी तुर्की की राजधानी 1930 ईस्वी तक इस्तांबुल थी और 1930 ईस्वी के बाद से तुर्की की राजधानी का नाम अंकारा रखा गया। आज इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही संसार में यही एक ऐसा शहर है जो दो महाद्वीपों में बसा है। साथ ही हजारों वर्षों में यहाँ कई सभ्यताएं फली फूली, जिसमें दो प्रमुख थी, यूनानी और रोमन। ईसा से 1200 वर्ष पूर्व यूनानियों ने यहाँ अनेक शहर बसाए, जिसमें से एक था ब्राइजेंटियम और बाद में यह शहर इस्तांबुल कहलाया। और आज यह शहर अपने हलचल भरे बाजारों, मसालों की खुशबू, नाइट क्लब और बैली डांस के लिए जाना जाता है। वैसे आपको बता दूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं इसी देश में रहती है। यानी तुर्की की महिलाएं दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है। दूसरे देशों के मुकाबले तुर्की काफी अलग है, क्योंकि यहाँ की जीवन शैली, कल्चर, लाइफ स्टाइल काफी अलग है। यहाँ की महिलाओं को मर्द के बराबर अधिकार व सम्मान दिया जाता है। यहाँ की लड़कियाँ देर रात तक बेफिक्र होकर सड़कों पर घूमती नजर आती है। क्या आपको पता है विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में तुर्की 8वां सबसे ताकतवर देश है, जिसकी सेना में तकरीबन 3,82,900 लोग काम करते हैं। तुर्की की साक्षरता दर 95% है और यहाँ की बेरोजगारी दर पूरी आबादी का 8.5% है। यहाँ की मुख्य भाषा तुर्की है, लेकिन इसके अलावा यहाँ अरबी, यूनानी और लादिनो जैसी कई भाषाएं बोली जाती है। देश की करेंसी को टर्किश लीरा कहा जाता है, जहाँ एक टर्किश लीरा इंडिया में तकरीबन 10 रुपए के बराबर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।